गाइस टू माय यूट्यूब चैनल में आप सबका दोस्त रोहित कुशवाहा। तो गाइस आज हम आए एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले गाइस मैं बताना चाहूँगा, मैं एक वीडियो की वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें आपको मैंने 10 प्रोज के अंदर बताया था कि जिससे आपको बाइक बाइक करनी चाहिए। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इस बाइक के 10 कॉन्स के बारे में जिसकी वजह से आपको बाइक नहीं बाय करनी चाहिए। क्योंकि गाइस कई बार होता है कि जो मतलब यंग एज होती है वो स्पोर्ट्स बाइक को प्रीफर करते हैं, बट क्या होता है जो आप जैसे बड़े होते हैं 25 जो एज वाले पर्सन होते हैं वो स्पोर्ट्स बाइक को प्रीफर नहीं करते जस्ट बिकॉज की फैमिली के लिए चाहिए होती है। और कई सारी बातें आती थी कि जो 125cc में जो स्पोर्ट्स लुक दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ये मतलब कैपेबल है या नहीं है। तो आज उस पॉइंट्स को लेकर मैं डिस्कस करता हूँ जिस बाइक को मैं आराम से 12,000 किलोमीटर चला चुका हूँ और 1 ईयर के रिव्यू भी करने वाला हूँ जल्दी, जिसके 1 ईयर हो जाएंगे। तो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को सबसे पहले कौन के बारे में, जो सबसे पहले कौन आता है इसका मीटर से रिलेटेड। गाइस इसका जो मीटर है वैसे काफ़ी अच्छा है, डिजिटल कंसोल दे रखा है जिसके अंदर मैं फुली डिजिटल फुली कलर के साथ मिलते मिल जाता है। लेकिन गाइस होता क्या है, स्टार्टिंग में जब मैंने बाइक को परचेज़ करा था तो काफ़ी अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन गाइस आफ्टर सम टाइम जिसका गियर इंडिकेटर है अगर थर्ड गियर में तो उनका कुछ और दिखाएगा, और कभी कभी तो 8-0 लिखा जाता है, लाइक मतलब गियर तुम्हारा प्रॉपर लगा नहीं है, जबकि गाइस गियर लग चुका है फिर भी गलत दिखा देता है। यहाँ पर ये काफ़ी मुझे बेकार चीज़ लगती है इस बाइक की, लाइक मतलब तुम गियर शिफ्टिंग दिखा रहे हो तो पता नहीं चलता कि कौन सडन ब्रेक मारने वाला तुम्हारी बाइक कौन से गियर में है, तो काफ़ी बेकार लगता है सिस्टम मेरे का। दूसरा जो है हमारा जो कौन इस बाइक का वो भी इससे रिलेटेड है, क्योंकि दूसरा आता है कि जो यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर है गाइस, फ्यूल इंडिकेटर सही है इसका वैसे भी देखा जाए तो, लेकिन गाइस कई बार गलत रीडिंग दिखा देता है। लाइक आपकी बाइक अगर टिल्ट खड़ी है तो इसका फ्यूल गलत इंडिकेट करेगा, लाइक अगर बाइक स्ट्रेट खड़ी है तो गलत अलग तरीके से इंडिकेट करेगा। और गाइस जैसे मान लो कि अगर रिजर्व पर लग गई है ना और अगले दिन मैं बाइक को चलाता हूँ तो यहाँ पर एक बार शो करता है, कभी रिजर्व पर आ जाता है कभी शो करता है, पता नहीं कि दिक्कत क्या आ रही है इसमें। तो गाइस दो इसके जो में लगे कौन जो बताना चाह रहा था मीटर से रिलेटेड। अब बात करते गाइस इसके तीसरे कौन के बारे में, थर्ड पे आता है गाइस इसका चेन कवर। जी हाँ दोस्तों बताना चाहूँगा, मैं 3 बार सर्विस करा चुका हूँ, तीनों सर्विस में इसको 250 रुपये अलग से देने पड़ते हैं जस्ट बिकॉज की चेन कवर का नीचे वाला कवर नहीं दे रखा है, तो 250 रुपये अलग से देने पड़ते हैं जस्ट बिकॉज ये चेन कवर हमें साफ करवाना पड़ता है, और चेन कवर साफ ना करवाया तो उसके चेन में लग जाता है रस्ट। तो गाइस ये थोड़ा बहुत लगता है मेरे को कि हाँ इसमें ये नहीं होना चाहिए, फुल कवरिंग होनी चाहिए इसकी, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी कॉस्ट पड़ जाता है। क्योंकि गाइस आप सोचो कि फ्री सर्विसेज में 250 रुपीज़ अलग से इंजन ऑयल ग्लास आपको 250 रुपीज़ अलग से चार्ज करवाने पड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ चेन कवर। तो गाइस उसका कौन लगता है। और अगला कौन आता है गाइस, फोर्थ नंबर पे आता है इसका जो स्टैंड है गाइस, जो इसका गियर शिफ्टिंग का जो है ये कई बार अटक जाता है गाइस। मैं बताना चाहूँगा मेरी वीडियो में आपको दिखाया था, मैंने लास्ट वीडियो में खैर नहीं पहले वीडियो जो डाले रखे हैं उसमें ये निकल भी गया था यहाँ से, मेरे को दोबारा लगवाना पड़ा था ये। और गाइस यहाँ पे देख रहे हो ये टेप वेप लगा रखी है, टूट भी गया था ये और ये काफ़ी टाइट हो गया गाइस, लगता ही नहीं गियर कई बार, जैसे मान लो अगर गियर डाउन करो तो गला शो करेगा, प्लस में गाइस लगता भी नहीं से, ये दिक्कत आ रही है इसमें। अब गाइस बात करते हैं इसके फिफ्थ कौन के बारे में, फिफ्थ कौन आता गया इसका ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस गाइस काफ़ी कम हो चुका है, मतलब हो चुका है इसका स्टैंड भी घिस चुका है इतना तो, या लाइक अगर दो से ज़्यादा अगर सामान भी रख लिया ना मैंने इस पर कुछ तो गाइस इसका जो नीचे का जो बेस होता है वो नीचे लग जाता है। और गाइस इसकी वजह से स्टैंड का जो इसके यहाँ पे ये मुड़ चुका है आगे से, आप देख सकते हो आप मुड़ चुका है पूरा ये इसका, ये भी मुझे एक कौन लगता है जो आपको बताना चाह रहा था मैं। अगर इसके बाद आता गया इसका सिक्स नंबर कौन पर, सिक्स नंबर आता गया सस्पेंशन है। सस्पेंशन गाइस क्या होता है कि लाइक तो सस्पेंशन उसके ढीले हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है दो बैठा ले रहे हैं अगर कोई ब्रेकर आएगा तो इसके सस्पेंशन ऐसे टच हो जाते हैं इतने, तो ये काफ़ी आवाज़ करने लगते हैं, उसका डर रहता है कि सस्पेंशन टूट वूट ना जाए कुछ ख़राब ना हो जाए बाइक में, तो अपना आप ढीले हो जाता है कुछ भी हम जैसे रफ राइडिंग ना करो फिर भी ढीले हो जाते हैं हर बार, हर सर्विस पर टाइट कराने पड़ते हैं मेरे को। तो गाइस ये सिक्स जो मैंने बताया आपको ये जो थे उसके बेसिक थे, उसके बाद बात करते हैं उसके मेजर मुझे लगे हैं। मेजर गए इसके जैसे बाइक की जो शाइनिंग थी एक साल भी नहीं हुआ पूरा मेरे को लिए हुए, डल हो गया है, कलर फेड होने लगा और तरने भी लगा, वो दिखा देता हूँ इसके देख सकते हो गाइस कई जगह पे कलर इसको उतर चुका है, आप दिख रहा होगा गाइस आपका यहाँ पे कलर इसका उतर चुका पूरा, जबकि इसमें कुछ इतना खास इसमें कुछ करवाया नहीं, एक साल हुआ भी नहीं है अभी। और गाइस कलर उतरने साथ इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी गिर चुकी है, आप दिख रहा है आपको मरगढ़ यहाँ पे पीछे का दिखा देता हूँ मैं इसको, ये देखो गाइस कितना इसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल गिर चुकी है, यहाँ पे देख सकते हो गाइस इतना कुछ बिल्ड क्वालिटी खास नहीं है इसकी, प्लास्टिक का ही है। और गाइस आपको शोर होगा जो टैंक है इसका फ्यूल टैंक है यहाँ पे भी देखो रस्ट लग चुका है, ये इसका कलर बिल्कुल वाइट हो चुका फेड होकर ब्लैक से, जबकि गाइस यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक होना चाहिए था अभी भी, बिल्कुल मैट फिनिश जो उसकी आती थी पहले शाइनिंग वाली वो ख़त्म हो चुकी है गाइस एक साल के अंदर, एक साल हुआ भी नहीं पूरा भी, अभी इसी हाल है इसका। अब आता है गाइस एट नंबर पे, एट नंबर जो कौन आता है इसका गाइस, उसकी बैटरी से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों दो तीन महीने पहले जब मैं सेकंड सर्विस करवाने गया था इसकी बैटरी गाइस काफ़ी ख़राब हो गई थी, मतलब रास्ते बंद हो गई थी, मैंने एक शॉट डाली थी जब इसकी बैटरी ख़राब हो जाए तो आपको इसमें किक तो है नहीं तो सेल्फ से ऑन करने पड़ता है, सेल्फ काम ना करे तो बाइक को कैसे ऑन कर सकते हैं। तो गाइस कुछ नहीं करना, बाइक को मेंशन भी लगाया सेकंड गियर में करा, पीछे टायर को खींच दो आपकी बाइक ऑन हो जाएगी। वैसे मैं कई बार ऑन करी है क्योंकि इसकी बैटरी काफ़ी ख़राब हो गई थी, उन्होंने बताया इसकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी। तो गाइस मुझे नहीं लगता कि नई बाइक लोगे तो आपके अंदर बैटरी का इशू आना चाहिए, तो उसका मुझे कौन लगा। अब गाइस बात करते हैं इसके नाइन्थ नंबर के कौन बारे में, नाइन्थ नंबर पे आता गया इसका USB चार्जिंग। हाँ जी हाँ दोस्तों अच्छा फीचर लगता है कि हाँ आपकी बाइक में USB चार्जिंग दे रखी है, लेकिन गाइस की स्पीड मैटर करती है, जो उसकी स्पीड काफ़ी स्लो है, लाइक मतलब आपकी
25 मिनट्स में मुश्किल से 10% चार्ज कर पाएगा, इतना स्लो है ये। मतलब नेगलिजिबल ही मान लो कि भाई 25 मिनट्स में 10% गाइस, मतलब क्या ही है चार्जिंग इसकी फिर तो। और उसके बाद गाइस इसका 10th पॉइंट आता है सबसे मेजर, जो है जो इसका माइलेज से रिलेटेड है। माइलेज गाइस इसका दोस्तों, अगर आराम से अगर नॉर्मल 50 से 60 चला रहे हो सिंपल रोडिंग पे, ऑफ रोडिंग नहीं कर रहे हो तो 60 का आराम से देगी। लेकिन जैसे आपने ऑफ रोडिंग करी पावर मोड में चलाई तो 60 से इसका 50 आने में 2 सेकंड भी लगेंगे, इसका रीडिंग भी काफ़ी गलत दिखाने लगेगा। और अगर जब टोटल चलाओगे बाइक को तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसका माइलेज काफ़ी गिर चुका है। एक साल मैंने चलाया इसको, 12,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, तो मैंने ये नोटिस करा इस बाइक में, जिसकी वजह से आपको बाइक ये बाय नहीं करनी चाहिए। अगर आपको सारे मेजर कॉजेस लगते हैं जिसकी वजह से आपको बाइक को बाय नहीं करना चाहिए। एंड दोस्तों आज की वीडियो में आपको बस ये शेयर करना चाह रहा था जिसकी वजह से आपको बाइक नहीं बाय करनी चाहिए। सारे बोलते हैं भाई बाइक को बाय करो, मैं बोल रहा हूँ नहीं करनी चाहिए अगर आपको मेजर कॉजेस सच में लगते हैं कि आपको बाइक में नहीं चाहिए। तो गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।